प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व समुदाय में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। बात चाहे दुनिया के ताकतवर देशों की जाए या फिर मुस्लिम देशों से व्यापार की जाए, इन सभी देशों की विदेश नीति में भारत अपना एक अलग मुकाम रखता है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में सभी यूरोपीय देश किस तरह भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे थे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी दबी जुबान से भारत की ताकत की तारीफ कर चुका है। आज दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान चुकी है और दुनिया के सभी ताकतवर देशों को ये पता है कि विश्व समीकरण को बनाए रखने में भारत की कितनी अहम भूमिका है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का डंका बज रहा है और अमेरिका रूस जैसे ताकतवर देश जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, वे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के लिए भारत का समर्थन कर रहे हैं। जी हां, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरो ने भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि हम अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से सुरक्षा परिषद को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की संभावना देखते हैं। विशेष रूप से भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में जगह मिलनी चाहिए। वहीं इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जापान और जर्मनी को भी अस्थायी सदस्य बनाने की बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में संबोधन के दौरान भी उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार की बात दोहराई थी। बाइडन ने कहा, सुरक्षा परिषद को और समावेशी बनाया जाए ताकि यह आज की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। इसके साथ साथ वीटो को लेकर बाइडन ने कहा कि यह सिर्फ विशेष अथवा विषम परिस्थितियों में ही होनी चाहिए ताकि सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और प्रभाव बने रहे। बाइडन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम पहले भी यह मानते थे और आज भी इस बात को मानते हैं कि भारत, जापान और जर्मनी को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन के दौरान यूएनएससी में सुधार की वकालत की है। जयशंकर ने कहा कि भारत अधिक जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत की छवि विश्व समुदाय में कितनी बढ़ रही है और दुनिया के दूसरे ताकतवर देश भारत के लिए सुरक्षा परिषद में आवाज उठा रहे हैं और भारत की अहमियत को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।